हेलो नमस्कार आदि सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड मैं आज जा रही थी जीपीओ, लाइक कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था उसके लिए। एंड साथ ही साथ मम्मा ने बोला कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो क्यों ना कथकी मेला एक लखनऊ में लगता है उसको दिखाते हैं। तो मैंने सोचा ओके, नेकी और पूछ पूछ, और अगर मैं कुछ एक्सप्लोर करने जा रही हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना लेके जाऊं। तो यार वही मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा, एंड साथ ही साथ आप लोगों को लखनऊ की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसके बारे में बता देंगे। तो चलिए हम अब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। और मैंने ये जीन्स, व्हाइट शूज एंड ये ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है, और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। मम्मा रेडी हो रही है नीचे, तब तक मैंने सोचा कि चलो इंट्रो शूट कर देते हैं फटाफट से। तो बस निकल रहे हैं, मैं और मम्मा साथ में जाएंगे। तो हम लोगों का काम डन हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी वहां पे जाके करेंगे क्या? क्योंकि हम ऐसा तो सोच रहे हैं कि रात का सीन भी हम लोग देख सके वहां पे। रात के जो मजे होते हैं, जो उसके चकाचौंध होता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। एंड वैसे तो हम लोग को जाने का रास्ता भी क्लियरली पता नहीं है, एंड हम लोग ऑटो भी ले सकते हैं, बट आई रियली डोंट वांट टू टेक ऑटो। हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रॉपर जाएं, लाइक इधर से उधर करके, इधर से उधर करके, ताकि एक सही वे पता चल सके कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। एंड लिटरली फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, कि मैं चलते चलते व्लॉग शूट कर रही हूँ और ऐसे बोलते हुए जा रही हूँ। इट्स सो अकवर्ड फॉर मी, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा दुपट्टा गिर गया, थैंक यू। अच्छा, चूंकि अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा समय है, तो थोड़ा सा गंजिंग कर लेते हैं, लाइक गंज में जाके देखते हैं कहाँ पर क्या कैसे कैसे है। जा तो चुकी हूँ, बट ऐसे घूमने के पर्पज से मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ गंज वगैरह में। तो एज मम्मी भी हैं, थोड़ा उनको पैदल चलवाते हैं, उनके कैलोरीज को थोड़ा सा वेस्ट करवाते हैं। सो फाइनली हम लोग मॉल में आ चुके हैं, टहलते टहलते, वो भी जो कि बहुत बड़ा काम है। जो लोग लखनऊ से रह रहे होंगे, आई मीन लखनऊ में रह रहे होंगे, उनको पता होगा कि जीपीओ से गंज का कितना डिस्टेंस है, मतलब सहारागंज का। यहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है कुछ काम, समथिंग इंटरेस्टिंग बनी। वाह, मेरे सारे बेकरी के आइटम यहाँ पर अवेलेबल है। अभी तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा। दिस इज सो क्यूट पाई केक टिन। अच्छा, छोटा सा केक बनाना उसके लिए, दिस वन सी। मैं हम लोग कहाँ आ गए? फूड कोर्ट सहारागंज के। कुछ खाओगे? क्या अभी हम लोग जा रहे हैं डालीगंज, तो उसके लिए हम लोगों को मम्मा कहाँ से टैक्सी लेनी है? हाँ, हम लोगों को हलवासिया से टैक्सी मिलेगी और डालीगंज। तो जो भी अगर गंज वाला इंसान जाना चाहता हो तो वो यहाँ से टैक्सी लेके जा सकता है। जी, अब हम लोग आ गए हैं डालीगंज पुल, और यहाँ से हम लोगों को ई रिक्शा लेना है जो हम लोगों को पहुँचाएगा मेला तक। तो
लोगों को टैक्सी वाले ने बंधे पर उतार दिया। यहाँ से पूरा मेले की वाइब शुरू हो चुकी है। शायद ज्यादा भीड़ नहीं लग रही ना, ज्यादा तो भीड़ नहीं लग रही ना, बट स्टिल यार कार का 50 रुपए, बाइक का 20 रुपए पार्किंग। तो यहाँ से शुरू होता है डालीगंज के ऐतिहासिक कदकी बुड़की मेला। 14 नवंबर से 5 जनवरी तक का लगा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम है। अभी झूले वगैरह लग रहे हैं, लग रहा ना, पर ये यहाँ पे सारी सॉफ्ट टॉयज की शॉप्स हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स हैं। वैसे क्या प्राइस है? ये तो क्यूट लग रहे हैं, बट मैं भी यूज कर सकती हूँ। हाँ 10 रुपए में आपको क्वालिटी कहाँ से मिल जाएगी। तो काफी जल्दी आ गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी तक पूरी चीज लगी भी नहीं है ना। आंटी जी बना भी रही हैं, और वो देखिए यहाँ पे रंग बिरंगे से कंगन दिख रहे हैं। अंकल कैसे दे रहे कंगन? बेटा इधर 30 रुपए का, इधर 40 का। ये वाले 40 के हैं, ये वाला। और ये जो बच्चों के हैं, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे कंगन शॉल को कैसे पेड़ों पे लटका रखा है। बट दिस वन इज लुकिंग गुड। यहाँ पे मैं गोल गोल घूम के दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके की शॉप्स लगी हैं, स्टार्टिंग में इतनी सारी लगी हैं, और ये यहाँ पे झूला आ गया। क्या चीज? फोटो लेना स्पैचुला? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द किचन के आइटम्स मिल रहे हैं, जैसे कद्दूकस, चमचा, बीटर, पकड़, चाकू, सब 40 रुपए के हैं। एक बेटी के ऊपर वो पर मटकी पकड़े हैं, उसे उनको पूछो जरा। किसको? जो मटकी पकड़े ये सुराही पकड़े हैं। हाँ हाँ वही सुराही पकड़े। अंकल ये कितने की है जो मटकी पकड़े हुए हैं? नहीं नहीं इधर वाली जो रखी है, जो स्टैंड पे रखी है। अच्छा वो वाली। हाँ ये 550। और ये जो बड़ी वाली है फुल साइज? हाँ बस इतना सा अंतर। ऐसे वाले क्या प्राइस है आंटी? 40 का बेटा। कोई भी यहाँ पे जो कप हैं वो कुछ 50 रुपए के हैं, कुछ 40 रुपए के हैं, कुछ 60 रुपए के हैं। सबके अलग अलग प्राइस पे हैं, जो कि काफी कलरफुल अच्छे लग रहे हैं। दीज क्रॉकरीज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितने कलरफुल, कितना प्यारा है। एक्चुअली डेकोरेटिव फॉर्म में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पर अचारदानी से जुड़ी हुई, मतलब अचार से जुड़ी हुई भी सारी चीजें, लाइक हर तरह की आपको अचारदानी मिल रही है। इसमें अचार बनाया जाता है, मेरे यहाँ है भी है। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी अचारदानी है। भैया छोटी वाली अचारदानी कितने की है? 80 की तो सही है। यहाँ से आप लोग सारी अचारदानियां वगैरह ले सकते हैं, कप्स ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 150-150 रुपए की राजस्थानी पर्स है, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब सारे वुलन्स हैं, बच्चों के, बड़ों के, नहीं सिर्फ बच्चों के ही है ना, बड़ों का तो नहीं दिख रहा मेरे को। वाओ कितने ब्यूटीफुल यहाँ पर सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, सारा वुडन का वर्क का है। मोस्ट ऑफ द 99% यहाँ पे वुडन का सामान है, और सब एक से एक बढ़कर है। सारा डेकोरेटिव पीस मतलब इतने एस्थेटिक लग रहे हैं ना, मन कर सारे के सारे उठा लो। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ की भीड़ भीड़ थोड़ी ना बढ़ गई है। यहाँ पे जितना भी सामान आप देख रहे हैं ना, सारा का सारा ये हर माह 7 रुपए वाला है। इसमें आपको सारी प्लास्टिक की चीजें मिलेंगी मोस्ट ऑफ द, लेकिन सारी की सारी नॉट सारी बट हाँ ज्यादातर मुझे लाल कलर की दिख रही हैं, और ज्यादातर डलिया वगैरह ही हैं। सही है, 7 रुपए के आइटम सही है। Thank you.
और यहाँ पर हर माल मिल रहा है 5 रुपए में। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो हेयर एक्सेसरीज होती है लाइक जूड़ा पिन, बैंड, हेयर बैंड, क्लचर्स और जो बॉब पिंस होते हैं, टिप टॉप पिंस होते हैं, सारी के सारी यहाँ पर रंग बिरंगी और न्यूट्रल कलर में। इसका मजा तो ऐसे प्लेटों में ना खाना ऐसा लगता है कि बस खाने को देख कर ना खाने का मन हो जाता है। कितना बढ़िया लगता है ना व्हाइट व्हाइट क्रॉकरीज। रोस्टेड होंगे ना, तो ये है लखनऊ की कुछ ऐतिहासिक चीजों में से एक ऐतिहासिक चीज जो कि है बुड़की या कटकी मेला। और ये कार्तिक पूर्णिमा के महीने से या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही लगना शुरू होता है और उसके बाद 1.5 से 2 महीने आराम से चलता है। यहाँ पे हर तरीके का सामान मिल जाता है। ये जो कार्तिक मेला है वो जो मेन फेमस है वो जितनी भी क्रॉकरीज आइटम है ये प्लेट कप कटोरी इनके लिए ज्यादा फेमस है क्योंकि लोग मोस्टली इसी को लेने के लिए ज्यादा यहाँ पर आते हैं। एंड ये इस शॉप पे बन रहा है हलवा पराठा। और ये देखिए कितने मजे से ये हाथ में लेके पराठे का साइज बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड इसमें इतनी बड़ी सी कढ़ाई में अभी तेल में डाल देंगे, तेल या घी जो भी यूज करते हैं। मैं तो इसको देख के शॉक भी हो गई थी कि कैसे हाथ में ले लेके तुरंत ही तुरंत इसका साइज इतना मतलब डबल ट्रिपल ट्रबल होता चला गया। अंडे कितने का दे रही हैं? ये फिश पॉट कितने का दे रही हैं? ये 200 का बेटा, ये 250 का। पूरा मछली सहित? पूरा जाल से। अच्छा, तो भाई यहाँ पे बड़ा धुआं धुआं सा हो गया है, कुछ जल वल रहा है आई गेस। एंड हम लोग अब यहाँ से कुछ खपी ले रहे हैं क्योंकि ये शाम होने लगी है, भीड़ बढ़ने लगी है, ठंड भी बढ़ने लगी है। जाते जाते थोड़े से और नजारे लेते हुए थोड़ी थोड़ी सी आ चुकी हैं। अब लग रहा है कि हाँ मेले में है क्योंकि भीड़ अच्छी खासी दिख रही है। ये रंग बिरंगे पौधे यहाँ पे बाहर मिल रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आते, जिसको समझ में आता है वो ले सकते हैं। और भाई साहब टैटू बन रहे हैं टैटूज। सो गाइस हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं और सबकी हालत ऐसे वाली है। सबसे पहले तो मैंने आके अपने बाल खोले बिकॉज इतने बांधे 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 चोटी हेडेक हो गया था। सो मम्मी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हालांकि बहुत बार जा चुकी होगी आप, बट अच्छा रहा बट थक गए। अब थकना तो सोचो लिटरली हम लोग 10 बजे आए गए, 10 बजे के एयरपोर्ट घर से निकले थे एंड तब से थोड़ी देर के बाद हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं क्योंकि मेले में मेला ही बोलेंगे, मेले में चलना। और उसके पहले भी मम्मी को काफी गंज घुमाए बिकॉज गंजिंग एक्चुअली में ना घूम घूम के हो पाती। गंज में आप अगर इधर से कन्वेंस से बैठो और उधर पहुंच जाओ तो वो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो मम्मी कुछ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी? सस्ता सामान मिल रहा था थोड़ा बहुत। यार ट्रू, सस्ता सामान तो बहुत मिल रहा था, लाइक एक जगह 10 रुपए में 3 आइटम्स मिल रहे थे। और ऐसा नहीं कि इतने इतने से आइटम्स हो, लाइक सुई मिल रही हो। मम्मी कुछ लेके आई इसमें से? क्या छन्नी तो हर दुकान पे जाए, छन्नी ले। और रीजन क्या, मेरी छन्नियां जल जाती है, केयरलेस है कि सारी छन्नियां जला देती है। अगर प्लास्टिक के ले कहते हैं कि यार वो वैसे स्टील वाली ले लो चलेगी, लेकिन नहीं प्लास्टिक वाली इनको ज्यादा मजा आती है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो क्या जलाती है। फिर उसके बाद हर दुकान पे जाके छन्नी ले। तो हाँ 10 रुपए की 3 छन्नियां ली है। ओ, दिखाऊंगी कैसे, ये ठीक ठाक है, वैसे ठीक ठाक की लगी थी बट 10 रुपए की 3 थी तो ले ली। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप
आप लोग थके ना हो ब्लॉग देख के, और इतना ज्यादा तो कुछ वैसे छूट नहीं किया था, बिकॉज एक ही तरह की दुकानें कई जगह लगी हुई थी, लाइक क्रॉकरी 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 जो मेन चीज वहां पे था, लाइक जो ये बुड़क्की मेला या कथकी मेला या कार्तिक मेला का जो मेन चीज है वो मेरे को जो लगता है हमेशा से वो क्रॉकरी लगता है। तो जहां जाओ वहां क्रॉकरी, हर तरह की क्रॉकरी, हर प्रकार की क्रॉकरी, तो वही शॉप बार 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 दिखाओ तो इट्स नॉट लाइक वर्थ इट। तो यहाँ ये था मेरा कि जहां जहां पे मैंने कुछ लिया है या कुछ देखा वहां वहां का मैंने शूट करके दिखाया है, बिकॉज मैं कोई वैसे वाला तो करने गई नहीं थी कि आपको सिर्फ मेले का देखो, इट्स अ काइंड ऑफ व्लॉग आल्सो। तो उस फॉर्म में देखिएगा, व्लॉग के फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं चीजों को वहां पे गई एंड देन दिखा रही हूँ, ये 3 रुपए का, वो 3 रुपए का, ये 3 रुपए का, ऐसा वाला सीन नहीं था। सो बुड़क्की मेला में बुड़क्की अगर आ चुके हैं और काफी थक थका भी गए हैं, जो कि चेहरे से पता चला होगा, चेहरे से तो मेरे शरीर से पता चला, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है रात में, मेरे को 4 बजे तक नींद नहीं आई, उसके बाद मैंने 4 या 4:30 बजे से लेके कुछ 7:30 बजे तक मैं सोई थी, मेरी नींद एक्चुअली में पूरी नहीं हुई है, वो लिटरली दिखाई भी पड़ रही है। तो चेंज करने जा रहे थे, बट चेंज करने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो सामान लेके आए वो दिखा दे, बिकॉज इतना ज्यादा सामान मैं नहीं लेके आई हूँ कि मैं उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दिखाऊं, तो जो भी सामान है मैं इसी वाले ब्लॉग के साथ चिपका दूंगी उसको भी। तो जो एक्चुअली में सबसे पहला आइटम मैंने खरीदा था वो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से व्हाइट कप। एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों हर चीज को क्यूट बोल देती हूँ, बट या इट्स अ वेरी डिसेंट कप, जो कि मेरे को बहुत टाइम से लेने थे ट्रांसपेरेंट वाले कप, बिकॉज ऐसे कप में ना ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पीने का ना मजा कुछ और होता है। मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं, एक मैं पी लूंगी, एक मम्मा को पिला दूंगी जबरदस्ती, या फिर कोई अगर मेरे दोस्त जाएगा उसको पिला सकती हूँ मैं। मेरे को पड़े हैं 50 रुपए के, हमने कहा कि भैया थोड़ी सी बार्गेनिंग करो 40 का दे दो, उसने कहा नहीं मैडम आप चाहे एक लें चाहे आप 50 पीस लें आपको 50 ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट आइटम है जो हम लोगों ने लिया है वो है ये छन्नियां। तो ये छन्नी जो है यू कांट गेस कि ये 10 रुपए की 3 छन्नियां है, लाइक अमेजिंग ना कि आपको 10 रुपए में 3 छन्नियां मिली। अभी देखने में तो ठीक ठाक ही है बट यूज करने से पता चलेगा। एंड जो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है वो है ये एक बहुत ही प्रिटी सी बाल्टिया जिसमें है क्ले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड ये 40 रुपीज का था मात्र, तो मैंने इसको ले लिया। हालांकि मैं चाहती तो और भी ले सकती थी लेकिन मैंने नहीं ली, बिकॉज एट दैट मोमेंट मेरे को इसका क्वालिटी नहीं पता था एंड अभी मैं छूकर देख रही हूँ तो मेरे को क्वालिटी ठीक ही ठाक लग रही है, यानी काफी कलरफुल सा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इसमें एक ये सांचे के तौर पर, लाइक स्टेंसिल के तौर पर एक कार भी हुई है, आप इसकी कट मार के एक अपनी कार बियल वाली नहीं ऐसे ही बना सकते हैं। सो पूरे मेले का जो सबसे बड़ा आइटम मैंने खरीदा है वो है ये ट्रीज। एंड एक्चुअली मेरे को ये ऐसे पेड़ अच्छे भी बताते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना होता है, मतलब कोई झंझट नहीं होता है, इसको धूप में रखो, नहीं धूप में रखोगे तो कलर शायद चला जाएगा, लेकिन अगर इंडोर रखो आराम से रखो कोई टेंशन नहीं होता है, तो इस वजह से आई रियली लाइक इट। और ये हमें पड़ा 200 रुपए का 2, जो कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग के बाद ही लिया है, आई थिंक वो 250 रुपए का दे रहे थे, फिर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद ये हमें 200 रुपए का पड़ा है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है वो लिटरली क्यूट है, वो है ये नौका और इसके साथ में है एक चमचा। तो ये एक तरह का स्नैक्स प्लेट टाइप का है और मुझे ये बहुत प्रिटी लग रहा था तो मैंने इसको लिया, और ये मुझे पड़ा 20 रुपए का एंड इसका जो कॉस्ट पड़ा था वो 50 रुपीज का पड़ा था, इट्स क्वाइट गुड। वहां पर जो सचमुच में सबसे ज्यादा शॉपिंग हम लोगों ने जिसकी की है ना वो है ये क्लचेस, क्योंकि ना ये एक ऐसी चीज है जो कब आती है एंड कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। एंड ये मेरी क्या ये आई थिंक हर घर की यही कहानी है, तो इस वजह से ये मिल रहे थे तो हमने टोटल 5 क्लचर ले लिए हैं एंड हर कोई अपने कलर में डिफर है, बस 2 ये ब्लैक में, वो भी ब्लैक में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, एक सिंपल ब्लैक है एंड एक के साथ में हल्का सा ग्रीन का वर्क है। तो जो 3 क्लचर्स है वो 7-7 रुपए के एक है और जो 2 क्लचर्स है वो 5-5 रुपए के एक है। नेक्स्ट आइटम जो लिया था वो है एक खाने पीने का आइटम, हालांकि बट वैसे ये मम्मी ने लिया था, बिकॉज अब मैं ये सब ज्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है ज्यादा चूरन चारण वाली चीजें, बट मम्मी ने ये ली थी इमली, मुझे इमली अच्छी लगती है वो वाली, लेकिन अच्छी लगती है कभी कभी वाला जिसमें आप चूरन वूरन वैसे मिलाकर रहते हो वो वाली, बट ये मम्मी ने ली थी 10 रुपए का पैकेट सॉरी डिब्बा मिला था, बट उन्होंने कहा अच्छी नहीं लगे, मैं खाकर देखती हूँ। हमें स्वाद वही है जैसा लाल वाली इमली होती है, इसमें नमक वगैरह मिलाते हैं, पर उसका जो चूरन होता है वो एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल होते हैं
एक्स्ट्रा फ्लेवर फुल होता है। मेरी जबान तोतली हुई हो गई है क्योंकि इतना हिंदी खा रही हूँ, खट्टे की वजह से और हो गई है। वैसे भी मेरी जबान तोतली है, अगर कभी कभी बोल दूंगा तो उसे इग्नोर मार दीजिएगा। जो नेक्स्ट चीज मैं दिखाने वाली हूँ, लिटरली मैंने मम्मा से मिन्नते कर करके लिया, बिकॉज मम्मी कह रही थी क्यों ले रही है, बट मैंने कहा मम्मा प्लीज लेने तो ना। वो है ये चिंगचांग वाला पंखा जो कि मुझे बहुत ब्रिटी लग रहा था, एंड मैंने सोचा व्हाई नॉट उसको ले लेते। हालांकि मैं वैसी वाली बंदी नहीं हूँ तो मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बट स्टिल मुझे बहुत ही क्यूट लगा इस वजह से मैंने लिया। एंड इट्स वेरी हैंडी ऑल्सो, क्या अपने बैग में थोड़ी सी पतली सी जगह में आनी है ऐसे आ जाएगा। एंड जब भी आपको गर्मी लगे, हालांकि अभी तो जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है, बट स्टिल जब भी आपको गर्मी लगे आपको जस्ट इसको पर को फैलाना है। एंड वाह अच्छी हवा भी दे रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसका जो प्राइस था मैं भूल गई, इसका प्राइस 70 या 80 रुपीज का था, कुछ इसके बीच का था, लेकिन मैं लिटरली मैं इसका प्राइस भूल गई। एंड द लास्ट आइटम ऑफ दिस वीडियो इज दिस ओइंग्स, बिल्कुल लास्ट टाइम में लिया इस वजह से बिल्कुल आखिरी में दिखा रही हूँ। चलते चलते लाइक निकलते निकलते बस ऐसे नजर पड़ी एंड मेरे को थोड़ा सा अलग लगा जिस टाइप के मेरे पास नहीं है एंड मेरे को लेने का मन भी था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट उसको खरीद लेते हैं। एंड ये मेरे को पड़ा 30 रुपीज का। सो मैंने बस इतनी शॉपिंग करी और जो मैं मेन मकसद लेके गई थी वो बस मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि क्या होता है कथकी मेला, कैसे कैसे क्या होता है, और वो हर साल लगता है इसी मतलब जो ये कार्तिक पूर्णिमा होती है उसके बाद ही लगता है, तो आप कभी भी उसके बाद से लेके जनवरी तक चलता है, बहुत लंबा चलता है, आप आराम से जा सकते हो। एंड अभी तो मैं इनिशियल फेजेस में गई थी ना, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें जो अभी लग रही हैं, हालांकि दुकानें उस तरीके की होंगी क्रॉकरी क्रॉकरी, बट स्टिल खाया पिया पैर तक खाए और वापस आ गए। सो अगर आपको ये मेला ये व्लॉग ये एक्सप्लोर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको और लोगों को शेयर करिएगा और इस पे कमेंट्स भी करिएगा, और जिन्होंने अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए सब्सक्राइब करिए फॉर सच ऐसे व्लॉग्स, एंड साथ ही साथ अलग से जो कंटेंट मैं क्रिएट करती हूँ मेकअप और स्किन केयर वाला वो सारी चीजों के लिए। So keep smiling always. Bye bye. Take care.